हेलो गाइस, माय नेम इज अमित सानी। 6 जून के इस यूपीएससी एमसीक्यू डेली एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। मिशन 2020 हम लेके चल रहे हैं और ये बैकलॉग के लेसन है जो मैं पूरा कर रहा हूँ। और 7 और 8 के भी लेसन अपलोड हो चुके थे, 9 का भी हो चुका है, 10 का भी हो चुका है और अभी 11 का भी आज शाम को अभी आ जाएगा। और 6 जून का लेसन है। इंपॉर्टेंटली करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनके जो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड जो निकल सकता है, जो भी क्वेश्चन किसी भी करंट अफेयर से कोई डिराइव कर सकते हैं, वो मैं इसमें बना रहा हूँ और उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ। तो कहीं से भी कोई चीज़ छूटने नहीं वाली इस साल, क्योंकि शुरुआत से हम लेके चल रहे हैं। पहले मैंने जनवरी से स्टार्ट किए थे और पीआईबी का लेसन में ले रहा था। अभी पीआईबी किस प्लेस के ऊपर और ये लेसन चल रहा है जिसमें क्वेश्चन बेस्ड सारा नॉलेज है, वो सारा कुछ कवर होगा जो पीआईबी में आता था, लेकिन वो क्वेश्चन बेस्ड होगा। ठीक है, तो ये लेके चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जो कोर्सेज हैं, पेन ड्राइव कोर्सेज, इन नंबर पर कॉल करके आप मंगवा सकते हो और सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। 60% ऑफ पर ये सारे अवेलेबल हैं और न्यू कमर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कोर्सेज होंगे। यहाँ पर इस फेसबुक ग्रुप के ऊपर आपको पीडीएफ मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक भी यहाँ पर दिया हुआ है। सारे पीडीएफ आप डेली ले लिया कीजिए। क्वेश्चन जो है पहला सिटीजन चार्टर के रिगार्डिंग है, पॉलिटी से क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिटीजन चार्टर के रिगार्डिंग। देखिए, सिटीजन चार्टर जो है एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और जो गवर्नेंस के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सर्विस क्या दे रही है गवर्नमेंट और लोग जो है वो क्या उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या उनके राइट्स हैं और सर्विस की डिलीवरी जो है वो उसके रिगार्डिंग सिटीजन चार्टर का इशू है। तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो कमिटमेंट ऑर्गेनाइजेशन का सिटीजन्स की तरफ जो उसका होता है, क्या वो उसको रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल सही है, वो करता है। लीगली एनफोर्सेबल ये नहीं है, इंपॉर्टेंटली ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, इसलिए ये नॉन जस्टिफिएबल है। ये जो है कोर्ट में इसको एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता है। ठीक है, बस एक ये है कि एक गवर्नमेंट का गुडविल होता है और सर्विस डिलीवरी का एक उनका वादा होता है, लेकिन ये कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं होती है। डीएआरपीजी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करवाता है, ये उसको टेक केयर करता है, बिल्कुल सही बात है। ए 1 and 3 इसका आंसर हो जाएगा, बी 1 and 3, क्योंकि दोनों इसमें सही है। ये देखिए, सिटीजन चार्टर जो डॉक्यूमेंट है वो सिस्टमेटिक एफर्ट होता है, सिस्टमेटिक क्योंकि सिस्टम के अंडर आता है। और जो डिपार्टमेंट ऑफ जो डीएआरपीजी है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, और इसका जो किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर आता है, तो एमओपी के अंडर ही आता है, इसलिए सिस्टमेटिक है। और कमिटमेंट जो होता है सर्विसेज का, उसके बारे में बात करता है कि क्या कमिटमेंट है आपका। ठीक है, तो उसमें फिर कोई भी ग्रीवांस एड्रेसल होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये डीआरपीजी उसके लिए स्पेसिफिकली जाना जाता है ग्रीवांस एड्रेसल के लिए, क्योंकि सर्विसेज हैं तो फिर ग्रीवांसेज भी हैं, तो उनका एड्रेसल के लिए होता है। और वैल्यू फॉर मनी भी, ये फ्रेजेस जो है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ये पॉलिटी के अंदर, क्योंकि ये स्पेसिफिक चीजें दी हुई होती हैं और ये मिस कर जाते हैं और इनका क्वेश्चन सीधा यूपीएससी ऐसे का ऐसा पूछ लेता है। तो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मीकांत जहां पर भी आप पढ़ो तो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के अंदर। नेक्स्ट, लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, जैसे मैंने बताया नॉन जस्टिफिएबल है, और ये बस डिलीवरी ऑफ सर्विस को फैसिलिटेट करवाने के लिए एक टूल है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है डीआरपीजी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांसेस जो है, जो पेंशन को भी संभालता है और ये सिटीजन फ्रेंडली गवर्नेंस देने के लिए काम करता है, तो वो इसको संभालेगा। गाइडलाइंस बस ये देता है, फॉर्मुलेशन करता है उनका और चार्टर को एग्जीक्यूट करवाता है। कॉम्पोनेंट इसके, इसकी जो वेबसाइट है, जो चार्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, उसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कॉम्पोनेंट क्या क्या इसके होंगे। इसमें सिटीजन्स, क्लाइंट्स, इन सब की डिटेल्स होंगे। सिटीजन्स कौन होंगे, सिटीजन्स नॉर्मल जो लोग होते हैं वो भी होंगे इसमें, कोई डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, कोई और भी एंटिटी हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई भी यूनिटी जो है इसमें वो सिटीजन माना जाएगा, उसकी कैटेगरी में इसको डाला गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, इसमें अकेले लोग ही नहीं आते, इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह भी आ सकती है, कोई भी ऑफिस वगैरह भी आ सकता है, डिपार्टमेंट भी आ सकता है, वो भी एक एंटिटी होंगी, तो वो क्लाइंट्स और सिटीजन्स की कैटेगरी में आएंगे, उनका डिटेल्स यहाँ पर दे रखा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और स्टेटमेंट ऑफ सर्विस भी उसमें होता है कि कैसा स्टैंडर्ड है, कैसी क्वालिटी है, और सबके रिगार्डिंग सेपरेट इन्फॉर्मेशन इसमें होती है। ग्रीवांस एड्रेसल मैकेनिज्म जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका है, जिसके रिगार्डिंग हमेशा इसको अप्रोच किया जाता है, वो है। और एडिशनल कमिटमेंट्स इसमें होते हैं, तो ये इसके कॉम्पोनेंट्स हैं सारे सिटीजन चार्टर के, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब आपको रिवर पहचाननी है इसमें कि कौन सी रिवर है, जो कि कवाड़ी विलेज है सोलापुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर, सोलापुर पता ही होना चाहिए आपको कि महाराष्ट्र में है, वहां से फ्लो करती है। पुणे सिटी जो है इसके बैंक्स के ऊपर ही, इसके थ्रू ये गुजरती है, और अल्टीमेटली ये भीम रिवर के ट्रिब्यूटरी बनती है, भीम रिवर में ये जाके मिलती है। भीम किसकी ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा रिवर के ट्रिब्यूटरी है। तो अब हमको इसमें पहचानना है, देखिए पुणे दे दिया तो इसके बाद कुछ बचता नहीं है, और भीमा की ट्रिब्यूटरी है इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। देखिए माहिम रिवर जो है मुंबई के अंदर सेलसेट आइलैंड जो है वहां पर बहती है, तो ये नहीं हो सकता है। मुस रिवर हैदराबाद की है, ये गलत हो जाएगा। मलप्रभा कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, भीम की ट्रिब्यूटरी नहीं है।
भीम कृष्णा की ट्रिब्यूटरी और भीम की ट्रिब्यूटरी बचती है सिर्फ अकेली मुला मुथा रिवर, जो कि न्यूज़ में कल परसों आया था। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन इसके अंदर है, बहुत ही ज़्यादा। और ये पिक्चर आप देखिए, वाटर हायसिंथ जो है इसमें दिख रहा है, इसके नीचे पानी है, लेकिन ये इन्वेजिव स्पीसीज है वाटर हायसिंथ, और ये इसमें पूरा भरा हुआ क्योंकि ये पोल्यूटेड रिवर है, तो पोल्यूशन जितना होता है उतना ही ज़्यादा मिलता है, तो क्रिटिकली पोल्यूटेड स्ट्रेचेस हैं इसके अंदर, और पुणे शहर की गंदगी इसमें आती है, उसके रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन है। और प्रकाश जावड़ेकर ने बोला कि 990 करोड़ का जो है रिवर का क्लीनिंग प्रोजेक्ट जो है वो सेंटर की तरफ से गिफ्ट होगा पुणे सिटी को, जिसमें ये साफ किया जाएगा इस नदी को, तो ये इसको गिफ्ट बताया है। तो इसका मतलब इसकी जो खर्चा जो है वो गवर्नमेंट देने वाली है। सिर्फ 70% जो इसका फर्स्ट पैकेज है वो पूरा हो चुका है और वो जारी कर दिया गया है। फास्ट ट्रैक इसमें पूरा काम होगा और पोल्यूशन फ्री इसको करना है। 990 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा और जो जो स्लज ट्रीटमेंट है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह हैं, एसटीपीज वगैरह, वो इसमें लगाए जाएंगे। वो पहले भी एक सिंपल सी इशू है। और वैसे भी देखिए, नेशनल रिवर कंजर्वेशन जो प्रोग्राम हमारा है, जो कि सेंट्रली एक फंडेड स्कीम है, उसके अंदर ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं ये सबसे इफेक्टिव टूल होते हैं, तो ये आपसे किसी ऑप्शन में पूछ सकते हैं। और जो पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो, और यूनियन गवर्नमेंट, देश की जो गवर्नमेंट है, स्टेट की नहीं, यूनियन गवर्नमेंट, याद रखना आपको, ये दोनों इसमें शामिल होंगे। स्टेट गवर्नमेंट का रोल इसमें नहीं है, यूनियन गवर्नमेंट और पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इन दोनों का ये जॉइंट प्लान है। और ये किसके अंडर आएगा? नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के अंडर आएगा ये, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, जीका, जो जापान की जो एजेंसी है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जो है जापान की, उसने इसमें फाइनेंसिस अवेलेबल करवाए हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट जीका का नहीं है, ये आपको याद रखना है। जापान का प्रोजेक्ट नहीं है, बस एक फाइनेंस करने वाली बॉडी है जीका जापान की। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, क्योंकि फाइनेंसिस सबसे पहली चीज होती है, बिना फाइनेंसिस के तो पत्ता भी नहीं हिलता आजकल, इसलिए जीका का इंपॉर्टेंट रोल तो इसमें है। लेकिन ये कह रहे हैं कि कुछ कन्फ्यूजन फैलाया गया है इसके रिगार्डिंग, तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन ये दिया है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो हमारा यूनियन गवर्नमेंट का और पुणे का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का है, ये जीका का नहीं है, बस वो एक फाइनेंस प्रोवाइड करवाने वाली एजेंसी है। और ये 10 साल तक लटक रहा था, 2014 तक, ये प्रकाश जावड़ेकर ने बोला है, और उन्होंने बोला कि हमने अभी इसको क्लियर कर दिया है। और ये मुसी रिवर जो हैदराबाद की, वो भी बहुत पोल्यूटेड रिवर है, ऐसे ही माहिम रिवर की बात की, वो भी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर है, ऐसे ही पुणे की मुलाबुथा जो रिवर है वो भी बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड है। सारी नदियाँ शहरों के पास हैं, जैसे दिल्ली के पास यमुना है तो सबसे पोल्यूटेड रिवर्स में से आती है, बिल्कुल ब्लैक गंदा पानी इसमें है। ऐसे ही बेंगलोर में लेक्स हैं, बिलांदूर लेक बहुत फेमस है, आग लग जाती है उसमें, इतना फूम वगैरह इकट्ठा होता है गंदगी के कारण, तो ये पोल्यूशन है। और ये सारी रिवर्स ही बिल्कुल डेड है एक तरह से, बस इसमें पानी आता है, वो गंदा पानी, सीवेज का पानी सारा बस बहता है, उसमें कोई साफ पानी नहीं होता है। लेकिन अगर वो ट्रीट होता है तो फिर कई काफ़ी सारी होप वहाँ पर बन जाती है सिटीज़ को, फ्यूचर देखने का, सिटी का मतलब जो है, वरना सिटीज़ का कोई फ्यूचर बचा नहीं है आजकल। आज चेन्नई और बेंगलोर के सामने सबसे बड़ा एक चैलेंज खड़ा है, वो सिटीज़ जहाँ पर बहुत सारी लेक्स थी, और उन सिटीज़ के बाद में पीने के बाद पानी भी आज के दिन नहीं है, तो ये चैलेंज है, मेंस में आपसे पूछेंगे। और मुलाबुथा रिवर को आपको याद रखना है, पुणे के अंदर ये है। नेक्स्ट, पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट, जिसको मैंने आपको सुबह पढ़ाया था, पीटीएस का सिंपल एब्रीवेशन है, मोस्ट कॉमन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, बिल्कुल सही है। पॉलिएस्टर फैमिली का रीजन है, ये भी बिल्कुल सही है। और क्लोदिंग कंटेनर्स, थर्मोफॉर्मिंग मैन्युफैक्चरिंग करने के, रेजिन बनाने के काम आता है, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड, इट कैन नॉट बी डिग्रेडेड नेचुरली। देखिए, वैसे पहले इन्फॉर्मेशन यही था कि ये डिग्रेड नहीं होता है, लेकिन जापान के कुछ साइंटिस्ट ने और कुछ यूएसए के साइंटिस्ट ने कुछ बैक्टीरियाज निकाल लिए हैं, जो कि कुछ टाइम में, हालांकि टाइम ज़्यादा लेते हैं, लेकिन इसको डिग्रेड कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली वन इसका करेक्ट आंसर है, छोटा सा विकिपीडिया में दिया हुआ है। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछता है वो बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल होते हैं, उनके सोर्सेज मिलते नहीं है, लेकिन ये मैंने ढूंढा था और ये मिल गया था मुझे कि ये डिग्रेड हो सकता है। अभी न्यूज़ भी आई थी कि एडिडास कंपनी जो है वो पुणे की, सॉरी नागपुर की, ये सॉरी या फिर नासिक की है, नागपुर की, वो साथ देख लेना, जो न्यूज़पेपर में आया था, जो मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ की एक कंपनी है, उसने जो पॉलीजेंटा नाम की कंपनी है वो उससे फाइबर बनाएगी, इस पीईटी से, और फिर ये तरह से रिसाइकलिंग का एक प्रोसेस मान लीजिए वो बनाएगी, और वो फाइबर जो है उससे एडिडास के जूते वगैरह बनाए जाएंगे, वो एडिडास कंपनी उसको खरीदेगी। तो ये एक शानदार तरीका है मैनेज करने का वेस्ट को, जो कि डिग्रेड नहीं होता है। तो नॉर्मली डिग्रेड नहीं होता, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज हैं जो बहुत रेयर हैं और वही इसको डिग्रेड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि डिग्रेड हो ही नहीं सकता, ऐसा लिख देंगे कि जनरली डिग्रेड नहीं होता है, तो जब वो सही होगा, जनरली डिग्रेड नहीं होता है, लेकिन स्पेसिफिक बैक्टीरियाज हैं कुछ जो कर सकते हैं। तो ओनली वन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए, पॉलिएस्टर फैमिली है, पॉलिएस्टर नॉर्मल इसका नाम होता है, यूके में टेरेलिन बोलते हैं, लवसान या रशिया में बोलते हैं, और डेक्रोन जो है ये यूएस में इसका नाम होता है। और दुनिया में जितना प्लास्टिक है उसका 13% के आसपास ही, बस सिर्फ इतना ही, और रिसाइकल हो पाता है, बाकी सारा रिसाइकल भी नहीं होता है, वो सारा ओशंस तक पहुंच रहा है अल्टीमेटली।
और सिंथेटिक फाइबर्स इससे बनते हैं, नेचुरल फाइबर अलग होते हैं, ये सिंथेटिक फाइबर है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ग्लोबल डिमांड का 30% ये पूरा करता है पीईटी, तो पीईटी आपको याद रखना है पॉलीएथिलीन टेरेप्थैलेट, ठीक है। पॉलिस्टर इसका कॉमन नाम है, पॉलिस्टर, तो ये भी आपने नाम सुना ही होगा। और ये जो सबसे फोर्थ मोस्ट प्रोड्यूस पॉलीमर है, सबसे ज्यादा पीवीसी यूज होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीएथिलीन, तो ये पीईपीपी और पीवीसी ये तीनों पॉलीमर्स हैं, मतलब कि कोई एक यूनिटी होती है वो कहता है, वो कहलाती है मोनोमर, और वो सब बहुत सारे जुड़ती हैं तो पॉलीमर होती है, इसका मतलब एक तरह की बहुत सारी यूनिट से बना हुआ होता है ये प्लास्टिक। तो इसका ये जो स्ट्रक्चर है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसी में इसकी सारी क्वालिटीज होती हैं। और ये थर्मोप्लास्टिक का मतलब कि हीट देंगे तो ये अपनी शेप इसकी बिगड़ जाएगी क्योंकि पिघल जाएगा, और फिर उसको आप दूसरी शेप दे सकते हो। और कॉमनली रिसाइकल होता है, डिग्रेड नहीं होता, रिसाइकलिंग और डिग्रेडिंग में डिफरेंस होता है, याद रखना है आपको। रिसाइकलिंग अलग होती है जिसमें कुछ और तरीके से उसका यूज होता है, और डिग्रेड मतलब कि पूरा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में दोबारा से वो डिजोल्व हो गया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कुछ बैक्टीरियाज हैं जैसे नोकार्डिया जीनस के बैक्टीरियाज हैं जो उसको डिग्रेड करते हैं, एस्टरेज एंजाइम उनमें होता है, उससे वो करते हैं। एक आइडियोनेला सेकेंसिस होता है, वो भी एक सोइल बैक्टीरियम है, वो भी दो एंजाइम ऐसे जिसमें होते हैं जो कि पीईटी को स्मॉलर पीसेस के अंदर और ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट कर सकता है। तो ये दोनों इशू हैं बायोडिग्रेडेशन के, जो कि रिसाइकलिंग से अलग होता है ये इशू, ये बायोडिग्रेडेशन है, ठीक है। कौन सा प्रोसेस यूज होता है ये भी आपसे पूछ सकते हैं, ट्रांस एस्टरीफिकेशन और एस्टरीफिकेशन, तो एस्टरीफिकेशन का प्रोसेस में यूज होता है इसको बनाने के अंदर। नेक्स्ट चंद्रयान 2 के रिगार्डिंग डेटा है, कंट्री का फर्स्ट मून लैंडर और रोवर मिशन है, वैसे मून ही नहीं हर तरह का लैंडर और रोवर मिशन पहला ही इंडिया का। इंडिया ने मार्स पर भी कोई लैंडर या रोवर नहीं भेजा अभी तक, सिर्फ ऑर्बिटर ही है, मार्स ऑर्बिटर मिशन था, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। लैंडर जो है इसका नाम विक्रम है, और ये बिल्कुल सही है, विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया है। और प्रज्ञान का मतलब है विजडम, प्रज्ञान इसका रोवर होगा जो गाड़ी होगी उस पर घूमेगी, तो ये दूसरा भी सही है, पहला सही दूसरा सही। तीसरा, वेइंग अबाउट 1500 केजी नहीं, ये सबसे स्पेसिफिक चीज है। क्यों मैंने बोला इसका वजन क्यों नंबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1500 किलो का अगर होता तो पीएसएलवी इसको लेके जा सकता था, लेकिन पीएसएलवी नहीं ले जा रहा है, ये जीएसएलवी मार्क 3 इसको लेके जाएगा, ठीक है, याद रखना है आपको। और इसका वजन 3500 किलो है, 3500 किलो से ऊपर है, तो ये चंद्रयान 2 का होगा और ये हैवी लिफ्ट होगा और ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा, इसलिए ये जीएसएलवी की जरूरत है इसमें। और 9 से 16 जुलाई का इसमें विंडो दिया गया है जब इसको भेजा जाएगा, तो ये आपको याद रखना है, इसमें 1 और 2 करेक्ट होंगे, ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये न्यूज आई थी जो आज मैंने पढ़ाई दी है इसरो वाली, और ये कुछ चैलेंजेस होते हैं मून लैंडिंग के ऊपर, इसमें साउथ पोल के ऊपर लैंडिंग होगी जो कि बहुत मुश्किल चीज है, और सॉफ्ट लैंडिंग होगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब कि ग्राउंड से हिट नहीं करना चाहिए, आराम से उतरना चाहिए जैसे प्लेन उतरता है, तो वैसे ही इसमें लैंडिंग होने वाली है, जो सबसे चैलेंजिंग इसका टास्क होता है सॉफ्ट लैंडिंग, सबसे चैलेंजिंग टास्क इसका, पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। बहुत ही कम देश ऐसा कर पाए हैं, और साउथ पोल पे तो कोई भी नहीं कर पाया अभी तक। नेक्स्ट है गोल्डन लंगूर के रिगार्डिंग डेटा है, देखिए नेचुरली फाउंड होता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में, क्या सही है? नहीं, गोल्डन लंगूर जो है इसका कलर गोल्डन कलर का होता है, ये असम में मिलता है गोलपाड़ा में, और ये आपको भूलना नहीं है, नीलगिरीज में वेस्टर्न घाट में बहुत सारे यूनिक जानवर होते हैं, जैसे नीलगिरी टार है और लॉइन टेल मकाक है, लेकिन ये वाला गोल्डन लंगूर है, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज का एक ग्रुप होता है उसमें ये आता है, और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, सिर्फ एंडेंजर्ड है, ये क्रिटिकली नहीं है, सिर्फ एंडेंजर्ड होगा ये, तो ये गलत हो जाएगा, पहला सही है। तीसरा, कार्निवलस में नहीं है, ये मैंने क्यों पूछा, ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ये कार्निवलस है ही नहीं, इसके रिगार्डिंग एक न्यूज आई है कि नरेगा के वर्कर्स को यूज किया जाएगा, कि इसके लिए वो फ्रूट्स उगाएंगे, फ्रूट्स के पेड़ लगाएंगे, और सबसे इफेक्टिव ये काम हो सकता है जो पहली बार वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, और हम नरेगा का यूज कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी न्यूज है, और उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, और जो जानवरों का जो एक कंजर्वेशन है वो भी होगा, क्योंकि वो उसको खाने के लिए ढूंढते हुए शहर में जाते हैं और फिर बहुत सारों की डेथ हो जाती है गाड़ी वगैरह नीचे आने से। तो तीसरा गलत है, दूसरा गलत है, पहला सही है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी पहला भी गलत ही है क्योंकि ये नीलगिरी में नहीं मिलता, ये असम में मिलता है, तो तीनों ही गलत है, डी इसका आंसर होगा, सॉरी भूल गया मैं, डी नन इसका आंसर होगा, क्योंकि तीनों ही गलत हैं इसमें। ये है गीज गोल्डन लंगूर, गी साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इसको ढूंढा था, और एंडेंजर्ड ये कैटेगरी में आता है। ये देखिए सर्कोपिथी सिटी जो है, ये सर्कोपिथी सिटी के जो जो सारे मंकीज हैं वो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज कहलाते हैं, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज जो कि बहुत पुरानी स्पीसीज है, उसके बाद में एप्स वगैरह आए हैं और जो इंसान भी उनसे आगे अलग हुए हैं जाके, तो शुरुआत में ये प्राइमेट्स के अंदर ही आते हैं, उसके बाद हम भी प्राइमेट्स में ही आते हैं ऑर्डर देखा जाए तो, लेकिन इनका सब ऑर्डर वगैरह जो है ये अलग हो जाते हैं, ठीक है। और
ये ब्लैक माउंटेन्स भूटान में वहां पर भी मिलता है और वेस्टर्न आसाम के अंदर भी ये मिलता है। तो ई पी जी जो है थे ये साइंटिस्ट थे और रेजीज गोल्डन लंगूर भी इसको बोलते हैं। हर्बीवोरस होता है, फ्रूट्स वगैरह खाता है, पत्तियां खाता है, पत्तियों से पानी भी पीता है, पत्तियों में भरा हुआ पानी भी पीता है, ये उसके लिए भी फेमस है। और अपेंडिक्स वन जो है साइट्स का उसमें भी ये लिस्टेड है ताकि इसका कोई क्योंकि एंडेंजर्ड है इसका कोई ट्रेड नहीं करे एंडेंजर्ड स्पीशीज का। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो इंडिया का है उसमें शेड्यूल वन में आता है, मतलब कि इसको टोटल कंजर्वेशन मिला हुआ है हाईएस्ट लेवल का। और इंडिया में सिर्फ 1500 मिलते हैं, भूटान में 4000 मिलते हैं, मतलब भूटान में ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है और घने जंगलों में बस ये मिलते हैं। तो ये इसका इंफॉर्मेशन है, ये न्यूज़ आई थी कि नरेगा के फ्रूट सब इसको मिलेंगे ताकि इसकी डेथ नहीं होगी और इसको ये अवेलेबल हो जाएंगे जंगल के अंदर ही। तो ये 27.24 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट है जिसमें ट्रीज जो है वो प्लांट किए जाएंगे एंडेंजर्ड प्राइमेट के लिए। नेक्स्ट, यूपी का चौखंडी स्तूपा जो है वो 4th सेंचुरी बीसी का है, नहीं ये 4th सेंचुरी सीई का है, ठीक है, ये जो क्रिश्चियन एज है उसके बाद ही आया था, बीसी में नहीं है ये। और स्तूपा है तो वैसे भी आपको समझना चाहिए कि स्तूपा जो है वो बाद में बने थे और बुद्ध जो जिन्होंने मतलब उनकी लाइफ एंड हो गई थी उसके कई टाइम बाद में, कुछ सेंचुरीज बाद में स्तूपा बनने शुरू हुए थे। तो 4th सेंचुरी सीई है, बीसी नहीं है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, रिसेंटली डिक्लेयर हुआ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नहीं ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रोटेक्टेड साइट घोषित किया है इसको, वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये नहीं है, ये चौखंडी में है यूपी के अंदर, तो ये भी गलत हो जाएगा, दोनों गलत हैं, डी नाइन इसका आंसर हो जाएगा। और ये देखिए बुद्धिस्ट स्तूपा है सारनाथ में, वाराणसी के पास से सारनाथ है वहां पर है और बुद्धा के रिलिक्स यहां पर मिलते हैं, बैरियल माउंट्स भी यहां पर है, मतलब यहां पर दफनाया भी गया था, उसके भी कुछ माउंट्स यहां पर है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जून 19 के अंदर अभी 5 तारीख को इसको डिक्लेयर किया है मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एमएनआई, ठीक है। गुप्त पीरियड में ये बना था 4th और 6th सेंचुरी के बीच में, और जो लॉर्ड बुद्धा के फर्स्ट डिसाइपल जो थे जो कि बोध गया से लेकर सारनाथ की तरफ गए थे, वहां पर जो है बाद में कई सेंचुरी बाद में गोवर्धन नाम का किंग हुआ था जो राजा के पुत्र थे, उन्होंने ये बनवाया था। और हुमायूं जो किंग हुआ था अकबर का फादर, उसका भी विजिट यहाँ पर हुआ था, उसको भी कमेमोरेट किया जाता है इस जगह, इसके नाम पर भी यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो मुगल रूलर भी इससे एसोसिएटेड है और चौखंडी स्तूपा इसका नाम है। सो थैंक्स अ लॉट, ये आज का लेसन था, कल हम दोबारा मिलेंगे इंपॉर्टेंट लेसन के साथ में। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, इट वाज अमेजिंग, फीडबैक जरूर से देना आप।